नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट चित्रपाठी। तो आज हम अर्थ डे या पृथ्वी दिवस के बारे में बात करेंगे। ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार 22 अप्रैल 2020 को इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। स्थापना कब हुआ था? 1970 को। इसका थीम क्या था इस बार? क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम रही है। 2019 की थीम क्या थी? प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज। 2018 की थीम क्या थी? एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन काउंटडाउन टू अप्रैल 22। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो सबसे पहले इसका काम जान लीजिए। तो इसका काम है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सपोर्ट करना। सबसे पहले 1970 में मनाया गया। आज के समय 193 कंट्रीज़ में ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है। कहानी कुछ ऐसी है कि सैन फ्रांसिस्को में 1969 में सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक पीस एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैककॉनेल। उन्होंने ये प्रपोजल लाया कि साल का एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें हम अर्थ के प्रति समर्पित हो सकें। अर्थ के प्रति समर्पित होने का क्या मतलब है? अर्थ की सुरक्षा को लेके हम उसमें नए नए विचार ला सकें, नए नए तरह के कानून भी ला सकें। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि हर साल 21 मार्च को हम क्या मनाएंगे? अर्थ डे के रूप में मनाएंगे। तो 21 मार्च को मनाए जाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का पहला दिन होता है 21 मार्च को। जस्ट उसके एक महीने बाद यूनाइटेड स्टेट्स के एक सेनेटर थे जिनका नाम था गेरोल्ड नेल्सन। उन्होंने प्रपोजल लाया कि हम हर साल 21 मार्च के बजाय 22 अप्रैल को नेशन वाइड एनवायरमेंटल टीचिंग प्रोग्राम बनाएंगे। यानी हर साल हम 22 अप्रैल को पर्यावरण शिक्षा के रूप में मनाएंगे। इस काम के लिए उन्होंने डेनिस हेज को हायर किया। डेनिस हेज कौन थे? एक यंग एक्टिविस्ट थे और उन्हें इस प्रोग्राम का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। बाद में इन दोनों ने नेशन वाइड इन्वायरमेंटल टीचिंग प्रोग्राम का नाम बदलकर अर्थ डे के रूप में रखा। नेल्सन को बाद में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से भी नवाजा गया। यह है नेल्सन साहब, यह है डे साहब, सॉरी हेज साहब। तो 1969 में, अब ये चीज़ समझने वाली है कि इस प्रोग्राम को लाने के पीछे कुछ तो रीज़न रहा होगा, तो वही रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया में सन बरबारा में एक तेल का कुआं खोदा जा रहा था, उसमें एक एक्सीडेंट हो गया और लगभग 3 मिलियन गैलन तेल पूरे समुद्र में फैल गया। 10,000 सीबर्ड मरी, डॉल्फिन मरी, सील्स मरी, सी लायंस मरी। इसी घटना के बाद नेल्सन जी ने यह प्रोग्राम को लाने का विचार किया। पहला अर्थ डे कब मनाया गया? 1970 में मनाया गया। इसमें लगभग पूरे अमेरिका से लगभग 20 मिलियन अमेरिकन्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बहुत बड़ी आबादी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की थी, स्कूल्स के बच्चों की थी, और इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद भी किसी भी प्रोग्राम का सफल होना एकदम जायज़ है। इसके अभी भी कौन चेयरमैन है? तो डेनिस हेज हैं। अब इसका नाम कैसे ये पड़ा? इसके नाम को का सजेशन कौन दिया? तो नाम का सजेशन दिया था जूलियन कॉनिग ने। कब दिया? 1969 को दिया। 22 अप्रैल को उनका बर्थडे पड़ता है। किसका? जूलियन कॉनिग का। तो उन्होंने बोला कि बर्थडे और अर्थ डे एकदम सेम टोन है। इसके अलावा 22 अप्रैल को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का मौसम होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का मौसम होता है, इसलिए हम 22 अप्रैल से अर्थ डे के रूप में मनाएंगे। यानी 22 अप्रैल को अर्थ डे नाम कैसे आया? जूलियन कॉनिग ने दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कब दिया? 1969 में प्रपोजल लाया। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? कोई भी प्रोग्राम अगर लॉन्च करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि नहीं क्या होगा, तो उसी का इम्पैक्ट हम देखने जा रहे हैं। तो इसकी मदद से बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज लाए गए, इंडस्ट्रीज के ऊपर काबू पाया गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना हुई, इंडेंजर्ड स्पीसीज जितनी है उसके ऊपर कानून लाया गया, उनके शिकार करने के ऊपर कानून लाया गया, क्लीन एयर की सप्लाई मिली, क्लीन वाटर की सप्लाई मिली। तो ये सारी इसकी जो सफलताएँ थी यही थी। ये इतना प्रभावी हुआ कि इसे बाकी कंट्रीज ने भी एक्सेप्ट किया।
तो अब इसमें मेरी ओपिनियन क्या है? इस बार का थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन। अब इस बार अर्थ डे को लेकर मेरी ओपिनियन ये है कि आप अपने घरों में कार्स और बाइक्स की बजाय साइकिल का यूज़ करिए, इससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी। चाइना के वेट मार्केट में आज कोरोना पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। चाइना के वेट मार्केट में हर तरह के मांस खाए जाते हैं। उनका मांस खाने का तरीका साफ सुथरा यही है कि अगर जिंदा है तो ये नहीं देखते हैं कि क्या है, बस उसको खा लो। तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स, उस पर क्या करना चाहिए, हमको काबू करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। हम अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों को साफ करते जा रहे हैं। मेट्रो बनाना है, जंगल साफ कर दो। घर बनाना है, जंगल साफ कर दो। तो ये सबसे बड़ा, देखिए, अगर प्रकृति को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति भी आपको नुकसान पहुंचाएगी ही। इसलिए प्रकृति से प्यार करो तो प्रकृति भी आपसे प्यार करेगी। इसलिए जंगलों को मत काटो, क्योंकि जंगल क्या है, एक तरह का इकोसिस्टम है। वहाँ बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं। आपके जंगल काटने से वो स्पीशीज क्या होंगी, सारी स्पीशीज मर जाएंगी। प्लांटेशन करिए, पेड़ पौधे लगाइए घर में। नहीं कुछ कर पा रहे तो पेड़ पौधे लगाइए, पानी डालिए। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लानी चाहिए इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो अपना कचरा नालियों में नदियों में बहा दे रहे हैं। इसको उनको ये नहीं पता चलता कि किस तरह से वो जलीय पारितंत्र को खतरे में डाल रहा है। तो इंडस्ट्रीज के ऊपर एक कड़ी पॉलिसी आनी चाहिए, नदियों को साफ करते रहना चाहिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की शिक्षा। हम तो कहते हैं कि क्लास 1 से क्लास 12 तक और जितने डिग्री अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें इन्वायरमेंट एजुकेशन तो कंपलसरी कर देना चाहिए। और हम नए तरह के एनर्जी सोर्सेस को भी यूज़ करें, जैसे कि पवन चक्की का यूज़ करना चाहिए, अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने चाहिए, जिसकी मदद से कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो। तो ये कुछ मेरे विचार थे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।